न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी टीम की फतह पर शहरी भी खुश हैं। कहते हैं कि खुशी हुई, टीम ने बहादुरी से मुकाबला किया। शहरियों ने शानदार बल्लेबाजी पर फखर जमान की भी खूब तारीफ़ें की। जी हाँ, शहरियों ने टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें भी बांध ली। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। आके हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया। सर आज माशाल्लाह मैच देखने का बहुत मजा आया है। फखर और बाबर ने बहुत अच्छी बैटिंग की है माशाल्लाह। ये जो मैच जीता है ये पाकिस्तानियों और दुनिया के चाहने वाले जितने भी हैं उनकी दुआओं से जीता है, कारकर्दगी से नहीं जीता। फखर की इनिंग्स बहुत जबरदस्त हुई, बाबर ने बहुत अच्छा साथ दिया। देखने बैठते थे मैच, जरूर बैठते थे, पर पाकिस्तान आ जाता था। हमें दिल से खुशी हुई है पाकिस्तान जीत गया, और बहुत दिल से खुशी हुई है। इतनी मुश्किलों के अंदर पाकिस्तान जीता है, हम सब के लिए बहुत खुशी का मौका है। हार जीत तो हिस्सा खेल का, मगर हमें बहुत खुशी होती है जब हम जीतते हैं। बड़ी खुशी हुई, हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान जीतेगा। काफ़ी देर बाद पाकिस्तान जीता है और ऐसा टफ मैच जीता है कि ये उम्मीद नहीं थी। फखर जमान को खिलाया, इसको बहुत पहले हमें खिला लेना चाहिए था। फखर को उन्होंने मौका दिया, दोनों मैचों में दिया, उसने दोनों में अच्छा खेला है। अगर ऐसे ही इन्होंने पहले मैच खेले होते ना तो इंशाल्लाह आज हम आगे होते। एक दो मैच में हो जाते, वैसे हमें हर वक्त उनके लिए दुआगो रहना चाहिए। फखर जमान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, और अगर ये इसी तरह इसी परफॉर्मेंस बरकरार रहे तो ये सेमीफाइनल्स के लिए जरूर वो कर सकते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि गवादर, पसनी और मियांवाली के दिलखराश वाकयात पर 9 मई के मकरू चेहरे और रॉ के एजेंट एक जुबान बोल रहे हैं। शहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं हैं। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। एक ऐसे वक्त में दहशत गर्दों ने पसनी, गवादर, मियांवाली और डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तानी फौज के बहादुर अफसरों और जवानों को शहीद किया है, और उनकी शहादत पर हर पाकिस्तानी खून के आंसू रो रहा है। 9 मई के वाकयात के सरगना जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के अजीम जवानों, गाजियों और शहदा का मजाक उड़ाया, ये जो वाकयात रूनमा हुए हैं ये न सिर्फ इंतहाई काबिले मजम्मत हैं, बल्कि 9 मई के मकरू चेहरे दोबारा वही जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि माजी में रॉ के एजेंट्स ने हमेशा वो जुबान इस्तेमाल की। और अमनेस्टी इंटरनेशनल को भारतीय हुकूमत की जानब से फैटफ को कवानीन की आड़ में इंसानी हकों के खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। अमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि भारतीय हुकूमत तनकीद करने वालों के खिलाफ बदतरीन हथकंडे अपना रही है, जिसे फैटफ को मद्देनजर रखना चाहिए। जी हाँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल का भारतीय हुकूमत की जानिब से फैटफ को कवानीन की आड़ में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर बाकिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं इंटरनेशनल उमूर का। डॉक्टर साहब, हमने मुसलसल देखा है कि भारत तमाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है, आलमी दुनिया सोई रहती है। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी ये नोटिस लेने का मुतालबा किया। जी थैंक यू सो मच। जहाँ तक एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात है तो पहली तो बात देखें यह है कि जो इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी भारत की तरफ से है ये कोई नई बात नहीं है। ये तो हमेशा इंडिया का रिकॉर्ड है, किसी न किसी बहाने से, चाहे वो मिनोरिटीज हों, चाहे वो उसके नेबरिंग कंट्री हों, चाहे कुछ भी हों, यहाँ पर इस तरह के काम होते रहते हैं। दूसरी ये बात यह कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो ये बात की है वो बेसिकली उन्होंने अपनी एक जो तहफ़ुज़ात हैं वो फैटफ के आगे शेयर किए हैं। हालांकि ये फैटफ को देने की पाबंदी नहीं है, लेकिन उसका मकसद क्या था कि ये था कि जो आपने इनको 350 क्वेश्चन दिए, जो आप इनका विजिट आ रहे हैं उसको रिवाइज करें, ये कोई ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं हो रहा यहाँ पर। क्योंकि पिछले कुछ अरसे से तकरीबन 20,600 एनजीओ जो है ना इंडिया ने बैन कर दी अपने कंट्री के अंदर, और जब से ये फैटफ का मामला आया वो तकरीबन 6,000 से ज्यादा सिर्फ 2022 के अंदर जो ये नॉन गवर्नमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन थी या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उनको उन्होंने बैन कर दिया। अभी ये जो रिकॉर्ड आई है ना एमनेस्टी इंटरनेशनल का, उसमें से 16 एनजीओ में से 11 का डाटा कलेक्ट किया गया, जिसके अंदर तकरीबन हर एक में से यही उनको मिला है कि 50-60% हमारा स्टाफ रिड्यूस हो गया है। क्योंकि इंडिया की एक इतनी क्लियर और सख्त किस्म की वो है हमारे ऊपर कि जिसमें एक हमारे स्टाफ अपने आप को सिक्योर नहीं फील कर रहे। इसके अलावा क्योंकि वहाँ की जो आबादी मिनोरिटीज हैं या दूसरे बिजनेसमैन हैं जिनका अपोजिशन पार्टी से ताल्लुक है, पॉलिटिशियन है, उनके खिलाफ क्रैक डाउन सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, ये ह्यूमन राइट्स की वो बेसिक यानी कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। सिर्फ ये है कि
सेटअप के आंखों में धूल झोंका जाए कि देखें जो आपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है, हम उनको काउंटर करने के लिए या उनके ऊपर पूरा उतरने के लिए हमने ये एक क्रैक डाउन किया हुआ है यहाँ पर। तो असल में ये जो इंसानी हकूक के मामला आ जाता है वो तो असल में एक बैकअप है। जो आपने बात की ना कि ये हमेशा से इदारों के या इंटरनेशनल कम्युनिटी में धूल झोंकता, वो भी एक ये भी एक उसका बेसिकली एक इस तरह का तरीकाकार है तो जो फैटअप को गुमराह करना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमें टाइम दे रहे हैं। लोकवर्सा इस्लामाबाद में 10 रोज़ा रंगारंग सकाफती मेला जारी। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत पर मबनी परफॉर्मेंसेज ने हाजरीन के दिल मोह लिए। फूड स्टॉल्स में लोगों को मुल्क के तमाम हिस्सों के मुख्तलिफ किस्म के रिवायती खाने पेश किए गए। रिपोर्ट। लोक विरसे में लोक मेले की रंगारंग तकरीबात जारी। मेले में मुल्क भर से सैकड़ों माहिर कारीगर, लोक फनकार, दही मौसीकार और लोक रकास शिरकत कर रहे हैं, जो फनून, दस्तकारी और दीगर शोबों में अपनी तख्लीकी सलाहितों का लोहा मनवा रहे हैं। मेले में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा समेत बलोचिस्तान, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती हुसन पर मुश्तमिल मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज पेश की गयी। लोक गुलूकारों ने आवाज का जादू जगाया तो हर कोई झूमने पर मजबूर हो गया। लोक मेले में शुरका के लिए रवायती खानों के स्टॉल भी सजाए गए। मेले के मकासद में माहिर दस्तकारों, लोक फनकारों और हुनरमंदों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें अपने अपने फनून को जारी रखने की तरकीब भी शामिल है, ताकि हमारा ये कौमी सकाफती विरसा नई नस्ल तक मुंतकिल हो सके। न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी टीम की फतह पर शहरी भी खुश हैं। कहते हैं कि खुशी हुई, टीम ने बहादुरी से मुकाबला किया। शहरियों ने शानदार बल्लेबाजी पर फखर जमान की भी खूब तारीफ की। जी हाँ, शहरियों ने टीम के सेमीफाइनल में पहुँचने की उम्मीदें भी बांध ली। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। आगे हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया सर। आज माशाल्लाह मैच देखने का बहुत मजा आया है। फखर और बाबर ने बहुत अच्छी बैटिंग की है माशाल्लाह। ये जो मैच जीता है ये पाकिस्तानियों और दुनिया के चाहने वाले जितने भी हैं उनकी दुआओं से जीता है, कारकर्दगी से नहीं जीता। फखर की इनिंग्स बहुत जबरदस्त हुई, बाबर ने बहुत अच्छा साथ दिया। देखने बैठते थे मैच, जरूर बैठते थे, पर पाकिस्तान आ जाता था। हमें दिल से खुशी हुई है कि पाकिस्तान जीत गया और बहुत दिल से खुशी हुई है। इतनी मुश्किलों के अंदर पाकिस्तान जीता है, हम सब के लिए बहुत खुशी का मौका है। हार जीत तो हिस्सा खेल का, मगर हमें बहुत खुशी होती है जब हम जीतते हैं। बड़ी खुशी हुई, हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान जीतेगा। काफ़ी देर बाद पाकिस्तान जीता है और ऐसा टफ मैच जीता है कि ये उम्मीद नहीं थी। फखर जमान को खिलाया, इसको बहुत पहले हमें खिला लेना चाहिए था। फखर को उन्होंने मौका दिया, दोनों मैचों में दिया, उसने दोनों में अच्छा खेला है। अगर ऐसे ही इन्होंने पहले मैच खेले होते ना तो इंशाल्लाह आज हम आगे होते। एक दो मैच में हो जाते, वैसे हमें हर वक्त उनके लिए दुआ गो रहना चाहिए। फखर जमान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है और अगर ये इसी तरह इसी परफॉर्मेंस बरकरार रहे तो ये सेमीफाइनल्स के लिए जरूर वो कर सकते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि गवादर, पसनी और मियांवाली के दिलखराश वाकयात पर 9 मई के मकरूह चेहरे और रॉ के एजेंट एक जुबान बोल रहे हैं। शहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं हैं। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। एक ऐसे वक्त में दहशतगर्दों ने पसनी, गवादर, मियांवाली और डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तानी फौज के बहादुर अफसरों और जवानों को शहीद किया है और उनकी शहादत पर हर पाकिस्तानी खून के आंसू रो रहा है। 9 मई के वाकयात के सरगना जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के अजीम जवानों, गाजियों और शहदा का मजाक उड़ाया, ये जो वाकयात रूनमा हुए हैं ये न सिर्फ इंतहाई काबिले मजम्मत हैं बल्कि 9 मई के मकरू चेहरे दोबारा वही जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि माजी में रॉ के एजेंट्स ने हमेशा वो जुबान इस्तेमाल की।